हेलो मेरे भाई, होपफुली आप अच्छे होंगे, बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो आज मैं आपको अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यही कोई साल था 2019, तब उस समय आप सबको पता है कि प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड, जिसको हम पबजी बोलते हैं, उसका कितना ट्रेंड था। तो उसी ट्रेंड के बीच में सारे लोग, बच्चे सब लोग गेम खेलते थे और मैं भी उस ट्रेंड का हिस्सा था। तो मैं भी गेम खेलता था। अचानक से एक दिन रैंडमली मेरे को कोचिंग की में एक बंदा मिला। पता नहीं भाई क्या था, क्या फीलिंग्स थी, क्या हुआ कैसे, लेकिन हम दोनों दोस्त बन गए। आप इमेजिन करो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट चैट से दोस्त बन गए। फिर उसके करीबन 1-1.5 साल बाद पबजी बैन हो गया। तो हम तो सिर्फ पबजी के दोस्त हैं, हमको कुछ ऐसा कोई ना कांटेक्ट ना कुछ कुछ भी नहीं था। तो वो एक फिर उसके बाद पबजी बैन हुआ, उसके बाद मैंने वेलोरेंट खेलना चालू किया थोड़े ही उसके 1-2 महीने बाद ही। तो वेलोरेंट खेलता गया, 4 से 5 महीने ऐसे गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक से एक बंदा आता है, क्यूट पटेटो नाम का, मेरे को बोलता है, क्या तुम ध्रुव को जानते हो? और ये ध्रुव वही लड़के का नाम है जो मेरे को उस वक्त कोचिंग की मिला था, उसका नाम ध्रुव त्यागी। तो वो बंदा बोलता है, तुम ध्रुव को जानते हो? मैंने कहा हाँ, वो पबजी खेलता था मेरे साथ। वो कहता है हाँ, वो कोई पबजी खेलता था, वो तेरे को बहुत मिस करता है। मैंने कहा ऐसा है क्या, मैं कांटेक्ट करा सकता है क्या उससे? उसने बोला हाँ, मैं कांटेक्ट करा सकता हूँ। तो हम लोगों ने ऐसे धीरे धीरे डिस्कॉर्ड पे बातें चालू करी, धीरे धीरे दोस्त बने और गहरे दोस्त बने, अच्छे से दोस्ती हुई। तो ये बात एक दिन मेरे को सीखने को मिली कि ऐसा दोस्ती फिजिकली ज़रूरी नहीं है, ऐसा ऑनलाइन दोस्त एक दूसरे को परख के, एक दूसरे का दिल ऐसे ऑनलाइन में भी देखा जा सकता है। काफ़ी गहरी दोस्ती हो सकती है ऑनलाइन फ्रेंड से भी। तो आज उसका बर्थडे था, तो मैं यही सोच रहा था कि उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट हो। तो मेरा पेपर था, तो फिर मैंने उसमें वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन पेपर के बाद वीडियो बना रहा हूँ और होपफुली उसको ये बर्थडे के प्रेजेंट उसका पसंद आए। तो मैं कुछ नहीं, इसमें अपनी ही स्टोरी और उसकी स्टोरी जर्नी बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया गेमिंग, कैसे हम लोग मिले, दोस्त बने, एंड स्टोरी अंटिल नाउ। तो ठीक है, आप मैं स्टोरी शुरू करता हूँ, आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए स्टोरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम आपके साथ वो मोमेंट शेयर करने जा रहे हैं जो हमने एंजॉय किए थे। मेरे साथ मेरा ध्रुव बिल्कुल प्रेजेंट है इस मोमेंट में। तो ध्रुव तुम बताओ कैसे हो? आई एम गे। फाक, वैसे गे तो मैं नहीं, मैं नहीं, मैंने बोला कैसे, मैं हूँ ही नहीं। तो भाई जब हमारी दोस्ती हुई, मतलब हम बहुत ही रैंडम थे दोनों। मतलब उस समय काफी मतलब काफी अनफ्रेंडली टाइप इंसान थे, काफी मतलब क्यूट से इंसान थे ना। हम पे माइक हुआ करता था काफी। भाई उस समय मेरे को ना फ्रेंड्स की भी उस समय काफी जरूरत थी। मतलब गेम में फ्रेंड्स भी नहीं थे। हमने एक डुओ लगाया और हम एक मैप के अंदर मिले। इसे हरामजादे को पहली बार मैंने देखा, मुझे लगा बड़ा क्यूट था इंसान। कुछ दिनों में हमारी लड़ाइयाँ होने लगी, बट ओवरऑल मतलब जब वो चीज लॉन्ग टर्म में हो जाती है तो मतलब फिर वो चीज ऐसा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन शॉर्ट टर्म में लगता है यार गलती कर दी हमने। देखा जाए ओवरऑल तो बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं साथ में। सीजन 9 जो कि 2-3 साल पहले हुआ करता था पबजी में, उसमें हम एस गए थे, तब भी हम दोनों साथ थे। इस केस में भी हम दोनों ने साथ रैंक पुश की। बहुत सारे गेम्स मतलब GTA, वेलो, पबजी, एपिक्स, पता नहीं हमने क्या क्या खेला भाई। ओवरऑल डिपेंड करता है काफी कुछ कि क्या कैसे आप मतलब एक फ्रेंडशिप को देखते हो। ओवरऑल देखा जाए तो एक फ्रेंडशिप के दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैं ज्यादातर पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि भाई जो हुआ, जैसे फ्रेंडशिप हुई, जिस तरह से ये फ्रेंडशिप यहाँ तक आई है, वो बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल काफी सीखने को मिलता है। एंड में बोलना हैप्पी बर्थडे ध्रुव बेटी, ये मेरी ही चीज है, मैं क्यों बोल लूं? मैं बोल रहा हूँ तेरे को। लेकिन मैंने तो नहीं सुना ना।
तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को भाई, तेरा दिमाग खराब अच्छा तो अब बोल रहा है मेरे को हरामखोर, थैंक यू भी नहीं बोल सकता। भाई मुझे रियलाइज इतनी देर बाद हुआ।